गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल वर्सेटाइल जोन। सो आज ये लुक क्रिएट करेंगे इस चैनल पे। आई होप आप सबको ये लुक बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। आप ये लुक कहीं पर भी जा सकते हैं। अगर आप किसी शादी में जा रहे हैं तो आप ये लुक क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हैं तो आप ये लुक क्रिएट कर सकते हैं। और ये बहुत ही ईजी लुक है। और जो आई शेडो, इसमें भी सिर्फ कम से कम प्रोडक्ट्स लगे हैं, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। बट ये आई शेडो बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। और ये जस्ट एक मांग टीका है एंड ज्वेलरी में जस्ट दिस इयर रिंग और जस्ट अ मेकअप। पिंक है, आप देख सकते हैं ये पूरा पिंक है, थोड़ा सा ऑरेंज और ग्रीन का मिक्सचर है। बट आई हैव ट्राइड टू मेक माई फुल लुक पिंक। और आपके पास में कोई अलग ड्रेस है लाइक ऑरेंज, रेड, ब्लू आई नो लिपस्टिक ब्लू नहीं लगेगी, बट अगर आपके पास रेड ड्रेस है तो आप रेड लिपस्टिक, रेड आई शेडो, आप इसको ऐसे मैच कर सकते हैं। सो और ये और नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। ओके गर्ल्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एक बहुत ही अच्छा पिंकी सा मेकअप लुक। सो उसे क्रिएट करने के लिए हमें सब पिंक कलर का चाहिए। अगर आपके पास में रेड आउटफिट है तो आप उसको रेड में ही कर सकते हैं, या आप अपने आउटफिट के हिसाब से उसको अच्छे से आई शेडो और मेकअप अपना कर सकते हो। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले अपना फेस क्लीन करना है अच्छे से। कोई भी क्लेंजर टोनिंग से हमें अच्छे से अपना फेस वाइप आउट क्लीन करना है। ओके, तो आफ्टर क्लेंजिंग योर फेस हमें करना है मॉइस्चराइज। सो आई एम मॉइस्चराइजिंग विथ एलोवेरा जेल। आप चाहे तो एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी लोशन या कोई भी क्रीम यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको सूट करे। बट हमें अच्छे से अपने फेस को क्लेंजिंग के बाद हमें मॉइस्चराइज करना है। अच्छे से फेस मॉइस्चराइज करने के बाद हमें चाहिए है प्राइमर, जो कि आई एम यूजिंग लैक्मे एब्सोल्यूट प्राइमर। आप प्राइमर को या तो हाथ से भी अपने ब्लेंड आउट कर सकते हैं, या फिर हम ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड आउट कर सकते हैं। तो हमारा फेस अच्छे से प्राइमर से सेट हो गया है। अब हमें चाहिए है फाउंडेशन, दैट आई एम यूजिंग लैक्मे फाउंडेशन। उसको आपको अच्छे से अपने फेस पे डैप डैप करके अच्छे से कवर करना है। प्राइमर वाले ब्लेंडर से आपको फाउंडेशन भी अच्छे से ब्लेंड करना। अच्छे से करिए, इतना तेज नहीं, ये फॉरवर्ड मोशन में है। अगर धीरे धीरे होगा तो ये मेकअप बहुत लंबा जाएगा। अब हम अपने फेस को कंसील करना है अच्छे से। जो भी हमारे डार्क सर्कल, जहाँ पे भी हमारे डार्क सर्कल्स है, वहाँ पे हमें अच्छे से उसको लगा के अच्छे से अपना फेस कंसील करना है। और आप याद रखें कि आपको अपना नेक भी कवर करना है, वरना फेस वाइट अलग दिखेगा और नेक हमारा अलग ब्लैक दिखेगा। तो आप फाउंडेशन जो भी लगा रहे हैं वो अपने नेक से भी कवर करें। अब हम अपने फेस को सेट करने के लिए हम लगाएंगे यहाँ पे कॉम्पैक्ट, जो कि है फिटमी का कॉम्पैक्ट पाउडर। इस कॉम्पैक्ट से आप अच्छे से अपने आईज, नेक अच्छे से कवर कर लीजिए। ऑलमोस्ट हमारा फेस बेस सेट है। ओके, सो हमारा नेक्स्ट स्टेप है आई मेकअप। तो आई मेकअप के लिए एक फ्लैट सा ब्रश लिया जाएगा। फ्लैट सा ब्रश लिया है और हुडा ब्यूटी पैलेट से एक पीची पिंक कलर लिया है। उसको हमें सिर्फ अपने जो क्रीज लाइंस हैं, आप देख सकते हैं जो हमें क्रीज लाइन है, सिर्फ उसमें ही अच्छे से प्रोडक्ट को ब्लेंड आउट करना है। हम इसको अच्छे से ब्लेंड आउट करेंगे। देखिए कितना प्यारा सा पीची कलर आ रहा है। तो हम अपनी दोनों आईज में सिर्फ क्रीज लाइन तक, दोनों आईज में अच्छे से क्रीज लाइन तक इसको अच्छे से ब्लेंड आउट कर लेंगे आराम आराम से। साथ ही साथ हमें अपने आईलिट्स पे भी उसी सेम कलर को लगाना है। बाद में जो हमारा लिप लाइनर, जैसे हमारे पास कोई भी कलर का लिप लाइनर, जैसे आई एम वेयरिंग पिंक कलर, तो हमने पिंक कलर का लिप लाइनर लिया है। तो पिंक कलर के लाइनर को एज पिंक कलर जो लिप लाइनर है उसको एज अ हम लाइनर यूज़ करेंगे। और फिर हम इसको अच्छे से ब्लेंड आउट करेंगे एक फ्लफी ब्रश के साथ। हमें एक फ्लफी ब्रश से अच्छे से उस लाइनर को, जो पिंक कलर का हमने लाइनर अप्लाई करा है, उसे अच्छे से ब्लेंड आउट करना है, ताकि वो एक अच्छा सा एक पिंक शेड निकल के आएगा और वो बहुत ही प्यारा लगेगा। आप देख सकते हैं दोनों आईज में डिफरेंस है बहुत। एक पिंक अच्छे से ब्लेंड आउट है और एक पिंक ब्लेंड आउट नहीं है। सेम ब्रश से आप अपना वाटर लाइन को स्मच कर लीजिए। उसी सेम पीची पिंक कलर को हमें अच्छे से अब अपने क्रीज लाइन में ब्लेंड करना है। पहले हमने आईलेट पे भी करा था, अब हमें अच्छे से इसको क्रीज लाइन में अच्छे से ब्लेंड करना है, कि जो हमारा पिंक कलर था, जो लाइनर पिंक कलर था, और जो पहले का हमने पीछे पिंक करा था, वो अच्छे से ब्लेंड आउट हो जाए।
तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही प्यारा सा पिंक लुक आया है, बट ये अभी एंडिंग नहीं है। अब हम सेम अपने आउटफिट का पिंक कलर अच्छे से अपने आईलिट्स पे लगाएंगे, और आप इसको फिंगर से यूज़ करें, क्योंकि अगर आप फिंगर से यूज़ करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से लग जाएगा। अपने दोनों आईलिट्स पे ये ग्लिटर को अच्छे से लगा लेंगे। नाउ यू कैन सी अ डिफरेंस, पिंक आईज हमारी लग रही है बहुत ही अच्छी। अब हम नेक्स्ट लेंगे अपना लाइनर। सो नाउ विद द लाइनर आई विल अप्लाई अ वेरी थिन लेयर ऑफ विंग लाइनर, जो कि बहुत अच्छा लगता है अगर हम कोई भी ग्लिटर करते हैं तो। और हम लाइनर के बाद हम यूज़ करेंगे मस्कारा। जितने भी प्रोडक्ट्स आई एम यूजिंग, जो भी प्रोडक्ट्स आई एम यूजिंग, आई विल गिव ऑल द लिंक्स इन अ डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप चाहें तो आप चेकआउट कर सकते हैं। मस्कारा हमें अच्छे से अपने लैशेस पे, लोअर लैशेस एंड अपर लैशेस, दोनों लैशेस पे लगाना है। नाउ फॉर हाइलाइटिंग हम सेम पैलेट में से, हुडा पैलेट में से गोल्डन शेड लेंगे, और हम एकदम छोटा फ्लैट सा ब्रश लेके अपने जो इनर कॉर्नर्स हैं उसमें, और हमारे ब्रा बोन्स में, और हमारे लिप के ऊपर अच्छे से हम इसको हाईलाइट कर लेंगे। और कॉन्टोरिंग के लिए भी हम अपना सेम हुडा का पैलेट ही लेंगे। इसके बाद हम अपने पाउडर से, कॉम्पैक्ट से अच्छे से अपने फेस को फिर से अच्छे से उसको लगा लेंगे, कि हमारा जो भी स्वेट वगैरह हो वो सब चला जाए। सेम हुडा पैलेट से हम ब्लैक कलर लेंगे अपने आईब्रोज को फिल आउट करने के लिए। हम अच्छे से अपने आईब्रोज को फिल कर लेंगे। आप ब्राउन भी ले सकते हैं। सेम हुडा पैलेट से हमें एक मैट ब्राउन शेड लेना है, और जो ब्रश है हमें उसको अच्छे से फ्लैट करना है। देखिए कैसे कर रहे हैं। और हमें अच्छे से अपने जो कॉन्टोरिंग पार्ट्स होता है वहाँ पे अच्छे से कॉन्टोर करने के बाद हमें उसको अच्छे से स्मच कर लेना है। सी हाउ आई एम डूइंग, सेम भी आपको करना है। कुछ कुछ फॉरवर्ड करके बताते हैं, अगर ये फॉरवर्ड कर करके नहीं बताएंगे तो वीडियो हमारा बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको बहुत ही आराम से प्यार से मेकअप को करना है। सेम पैलेट से हम हाइलाइटर के लिए, हाइलाइटिंग के लिए फ्लफी सा ब्रश लेंगे, और उसको अच्छे से हम अपना जो चीक्स होती हैं उसको हाईलाइट कर लेंगे। नोज को हाईलाइट करेंगे हम, कि वो थोड़ा अच्छा ग्लोई सा लुक आए। और बस हम अब लिपस्टिक लगा के अपने मेकअप को फिनिश करेंगे। सो अच्छे से हाईलाइट के बाद आई विल अप्लाई नाउ पिंक कलर लिपस्टिक। यू कैन सी ये बिल्कुल मैच हो रही है आउटफिट से। तो पिंक कलर की एक बहुत ही ये प्यारी सी लिपस्टिक है, ये लिक्विड मैट लिपस्टिक है, तो इसको बहुत अच्छे से ये इस ड्रेस के साथ, इस आउटफिट के साथ ये जाएगा। आप अगर रेड कलर का आपने आउटफिट पहना है तो आप रेड कलर की लिपस्टिक लगा सकते हैं, और ऑरेंज भी ट्रेंडिंग लिपस्टिक्स होती हैं, तो अगर आप ऑरेंज कलर का कोई आउटफिट पहनते हैं तो आप ऑरेंज कलर की लिपस्टिक लगा सकते हैं। लेकिन ऑरेंज कलर की, अगर आप ऑरेंज कलर का आउटफिट पहनते हैं तो ब्राउन कलर की लिपस्टिक भी ऑरेंज कलर के साथ जाती है। तो आप देखिए ये बहुत प्यारी और ये बहुत ही अच्छी लिपस्टिक लग रही है। यू कैन ट्राई दिस लुक, नॉट बैड। सो ना हम अपने सेटिंग स्प्रे से अच्छे से अपने मेकअप को सेट कर लेंगे, और अच्छे से फिर जो आपका ब्लेंडर होता है हम उसको अच्छे से ब्लेंड डैब डैब मोशन में पूरा मेकअप सेट कर लेंगे, लाइक हाउ आई एम डूइंग। इट्स नॉट बैड, लुकिंग गुड। ओके सो वेट फॉर माई फाइनल लुक। ओके सो ये है फाइनल लुक। नॉट बैड एक्चुअली, ये बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा लुक है। आप कहीं भी अगर पार्टी में जाते हैं या किसी मैरिज में जाते हैं और आपको एक ट्रेडिशनल लुक चाहिए है तो आप ये लुक कैरी कर सकते हैं, लाइक आई हैव डन विद पिंक कलर। तो आपके पास जो भी आउटफिट है आप उससे कर सकते हैं, ये बुरा नहीं लग रहा है, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। आई जस्ट अप्लाई अ मांग टीका और इयर रिंग्स, बस उसी से लुक बहुत प्यारा आ गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।